सिक्योरिटी सुधांशु पांडे ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दरों में नरमी और सरकार के समय पर दिए दखल से रिटेल मार्केट में खाने के तेल की कीमतें कम होने लगी हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस महीने की शुरुआत से देश भर में मूंगफली के तेल छोड़कर पैक्ड एडिबल ऑयल की औसत रिटेल कीमतों में थोड़ी कमी आई है और ये 150 से 190 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच चल रही है। पांडे ने कहा, सरकार के समय पर हस्तक्षेप और ग्लोबल डेवलपमेंट के कारण खाने के तेल की कीमतों में रुझान बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कि न केवल खाने का तेल, खुदरा गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतें भी स्थिर है। घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए जो नियम बनाए गए वो उपयोगी रहे। फूड मिनिस्ट्री के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि खाने के तेल के प्रमुख ब्रांडों ने एमआरपी को चरणबद्ध तरीके से कम किया है। अडानी विल्मन ने शनिवार को अपने खाने के तेलों की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। फॉर्चून रिफाइंड सूरजमुखी तेल की 1 लीटर पैक की एमआरपी 220 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 210 रुपए कर दी गई। फॉर्चून सोयाबीन और फॉर्चून कच्ची घानी 1 लीटर पैक की एमआरपी 205 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 195 रुपए कर दी गई। वहीं दिल्ली एनसीआर में लीडिंग मिल सप्लायर्स में से एक मदर डेयरी ने पिछले हफ्ते कहा था कि उसने ग्लोबल मार्केट में कीमतों में नरमी के साथ अपने खाने पकाने की तेल की कीमतों में 15 रुपए प्रति लीटर तक की कमी की है। कंपनी अपने खाने के तेल को धारा ब्रांड के तहत बेचती है। धारा सरसों तेल की कीमत 208 रुपए से घटाकर 193 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। धारा रिफाइंड सूरजमुखी तेल को पहले 235 रुपये प्रति लीटर से अब 220 रुपये में बेचा जा रहा है। धारा रिफाइंड सोयाबीन की कीमत 209 रुपये से घटाकर 194 रुपये हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।